बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नासिन। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन गैर मुल्कों के बारे में बताने वाली हूँ जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, आज हम उन गैर मुल्कियों के बारे में जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए थे और उनकी डेट को बढ़ा दिया गया है, उनके काम एक्सटेंड कर दिए गए हैं पर उनकी छुट्टी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई, इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। और इसी हवाले से गैर मुल्की ने जवाजा से सवाल किया और उन्होंने इसे क्या जवाब दिया, आज इस वीडियो में मैं उस बारे में भी बात करने वाली हूँ। मोहम्मद इब्राहिम ने बताया है कि मेरे काम में 3 माह की तोसी हो गई है लेकिन खुरूज-ए-उहदा यानी मेरी छुट्टी नहीं बढ़ी। जवाजात वाले कहते हैं कि तोसी होगी, अगर नहीं होगी तो मैं सऊदी अरब आ सकूंगा। जवाब, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब गए हुए कारकिन के काम और खुरूज-ए-उहदा में 3 माह की तोसी कर दी गई है और जब आपके आने की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए तो खुददार तरीके से खुरूज-ए-उहदा में भी तोसी होगी। आप अपने कफील से कहें कि वो अबशर या मकीम अकाउंट पर चेक करके आपको इतला करे। अगर सिस्टम में तोसी नहीं हुई तो कफील अबशर अकाउंट के जरिए आपका मामला जवाजात के गोशगुजार कर सकता है। इसके लिए जवाजात के अबशर सिस्टम पर मौजूद खसूसी सहूलत और रसाई तलबात में जाकर वहाँ खुरूज-ए-उहदा में तोसी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मुफ्त तोसी की दरख्वास्त से छुट्टी अपनी खुरूज-ए-उहदा में तोसी कराई जा सकती है। याद रहे कि छुट्टी 3 माह की गई है, इसका हिसाब 15 मार्च 2020 से किया जाता है जब से बैन अल-अक़वामी प्रवास पर पाबंदी आयद की गई। जहां तक वापस आने का सवाल है, याद रखें जब तक बैन अल-अक़वामी प्रवास पर पाबंदी खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं मुख्तलिफ ममालिक से लोग खुरूज-ए-उहदा पर गए हुए हैं। सऊदी हुकूमत हालात का जायजा लेने के बाद रायत का ऐलान कर देगी, यानी कि अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं चाहे आपका तलक किसी भी कंट्री से है, शाही फरमान के मुताबिक जितने भी लोग छुट्टियों पर गए हुए हैं उनका वीज़ा और उनकी छुट्टियों में 3 माह की तोसी मुफ्त अहकाम जारी हुए और अमला भी जारी है। काफ़ी लोगों के अकामे और छुट्टियों में तब्दील यानी एक्सटेंड हो गई है। अगर आपकी आने की डेट बढ़ गई है लेकिन आपकी छुट्टी की डेट नहीं बढ़ी तो आपने अपने कफील या कंपनी से राबता करना है। आपने उन्हें कहना है कि मेरे अकामे को 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है लेकिन मेरी छुट्टी को नहीं बढ़ाया गया, बराए मेहरबानी आप मेरी दरख्वास्त को अबशर के अकाउंट से जवाजात को भेजिए। आपकी दरख्वास्त को जवाजात को भेज दिया जाएगा, फिर जवाजात चीज देखेगी, फिर आपकी छुट्टी को बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपके कामे की डेट बढ़ गई है लेकिन छुट्टी की डेट नहीं बढ़ी तो आपने कफील या कंपनी से राबता करना है। अगर आपके कामे की डेट नहीं बढ़ी तो आपने कफील से राबता नहीं करना बल्कि आपने इंतजार करना है। अगर आपकी अकामे और छुट्टी की डेट बिल्कुल ठीक से बढ़ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ती तो कफील या कंपनी से राबता करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।